सीतामढ़ी भारत के बिहार राज्य के तिरहुत प्रमंडल के सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत एक नगर है जो इस जिले का मुख्यालय भी है। यह सांस्कृतिक मिथिला क्षेत्र का एक ऐसा प्रमुख शहर है जिसे सीता मैया की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। सीता माता की जन्मस्थली होने की वजह से ही इस जगह को पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामही और अब सीतामढ़ी के नाम से जाना जाता है। आप माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम में है, जितने भी देवी की मंदिर है वो तो खंडपीठ शक्तिपीठ है, ये आप संपूर्ण पीठ पे खड़े हैं। ये माँ सीता की अवतरी स्थल है और यहाँ से हलेश्वरनाथ मंदिर है जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं से राजा जनक जी हल जोतते हुए यहाँ पहुंचे थे और धारा में हल का टकराव से माता जी के प्रकट हुए थे और ये पावन भूमि है जहाँ माँ जानकी का अवतरित हुई थी। और ये जो यहाँ पूरी भारत से माँ जानकी के दर्शन करने के लिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, कोने कोने से देश विदेश से भी लोग यहाँ दर्शन के लिए आने लगे हैं। परंतु अभी जिस तरह व्यवस्था होना चाहिए अभी वो व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई है। अब हम लोग सनातियों का और माँ जानकी के जितने भी भक्त हैं उन सबको एक साथ स्वर मिला के इसके उत्थान के लिए माने सरकार से निवेदन करना हो या जो भी इकट्ठा करके चंदा इकट्ठा करना, जैसे राम जन्मभूमि को चंदा इकट्ठा करके बनाया गया है उसी प्रकार से मंदिर को उद्धार किया जाए। और उत्तर भारत का ये अंतिम जिला है, देश का अंतिम जिला है, कोई भी चीज पहुंचने में लेट हो जाती है, मगर हम लोग यदि जागते हैं तो ये आवाज मेरे दिल्ली और मोदी सरकार तक ले जाएगी और इसकी उत्थान अब जरूर होगी। अब लगता है हमको यह लगने लगा है, हम यहाँ 14 वर्ष से कार्यरत है मगर अब लगने लगा कि इस मंदिर का उत्थान होने की बारी आ चुकी। रामायण काल यानी त्रेता युग में यह जगह मिथिला राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। यहाँ की स्थानीय संस्कृति एवं धार्मिकता, विशेष रूप से रामायणकालीन परंपरा और नेपाल के तराई प्रदेश तथा मिथिला के समान ही दिखती है। यहाँ जाति परंपराएं प्रचलन में हैं, जिनकी वजह से अधिकांश शादियां माता पिता द्वारा अपनी जाति में ही तय किए जाते हैं। शादी विवाह या अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर वैदेही सीता के भगवान राम से विवाह के समय गाए गीतों के आधार पर बनाए गए भावनात्मक गीत आज भी बड़े ही रसपूर्ण अंदाज में यहाँ गाए जाते हैं। सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हमर रघुवर भरुधारी, पाहुन हमर रघुवर धनुधारी, जानकी जी सरसता बने भई, जानकी जी सरसता बने भई, बहिन कही कही का सब दिन बजे भई। सिया जी बहिनिया हमार हो राम लगी है पहुन माँ, सिया जी बहिनिया हमार हो राम लगी है पाहुन माँ, राम लगी है पाहुन, राम लगी है पाहुन, राम लगी है पाहुन माँ, सिया जी बहिनिया हमार हो राम लगी है पाहुन माँ, मिथिला के नाता ससिया जी बहिनिया, सिया जी के नाता सराम जी पहुन माँ, मिथिला के नाता ससिया जी बहिनिया, सिया जी के नाता सराम जी पहुन माँ, अंगना में उगी गेल चान हो राम लगी है पहुन माँ, अंगना में उगी गेल चान हो राम लगी है। सोहर, जनेऊ के गीत, नचारी, समदाउनी, झूमर, तिरहुती, बरगमनी, फाग, चैतावर, मलार और बारहमासा यहाँ के मुख्य लोकगीत हैं। नचारी गीत प्राय शिवचरित्र से भरा रहता है। गहल चरण हम तो है शंकर, गहल चरण तो। समदाउनी प्रमुख विदा गीत है। जब लड़की ससुराल जाने लगती है तो यह गाया जाता है जो अत्यधिक करुण होता है।
सीता के देश में इस गीत से यही करुणा उत्पन्न होती है जो कभी जनक के घर से उमड़ी थी। यथा बढ़ रे जतन हम सिया जी के पोसलों से हो, रघुबंसी ने जाय आहे सखिया। इस गीत की बहुत सी धुनें होती हैं। झूमर गीत मुख्य रूप से श्रृंगारिक होता है और धुनों के अनुसार कई प्रकार से गाया जाता है। मैथिली क्षेत्र के झूमरों की खास विशेषता है कि उनमें अधिकांश संदेश सूचक होते हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, माथ मनी मोरी या कुंडल सोहे कनमा, माथ मनी मोरी या कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी कज रारे झूले मिनयनमा, लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, ए जी लाल लाल चंदन सोहे भाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। त्रेतायुगीन आख्यानों में वर्णित यह जगह सनातनी तीर्थ स्थल और बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 1908 ईस्वी में यह मुजफ्फरपुर जिला का एक हिस्सा बना, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में यह जगह मुजफ्फरपुर से अलग होकर सीतामढ़ी नाम से ही एक स्वतंत्र जिला भी बना। इस तरह से यह जगह मौजूदा समय में तिरहुत कमिश्नरी के अंतर्गत बिहार राज्य का एक जिला मुख्यालय भी है। पौराणिक आख्यानों में यह जगह त्रेतायुगीन एक शहर के रूप में वर्णित है। मान्यता है कि त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री तथा भगवान राम की धर्मपत्नी देवी सीता का जन्म यहीं के एक जगह पर हुआ था, जिसे पुनौरा धाम के नाम से जाना जाता है। ये वही स्थान है जहां माता सीता प्रकट हुई थी, जिसके बदौलत श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका तप और त्याग पूरे विश्व में अकल्पनीय है और बिहार की हर एक माता हर एक बहन सीता की प्रतिमूर्ति हैं, और हमारे लिए सीता जगत जननी, और ऐसी धरती पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। ये हमारे लिए पूज्य है, पूरे भारतवासियों के लिए पूज्य है। पौराणिक मान्यता अनुसार मिथिला राज में एक बार दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से पुरोहित और पंडितों ने मिथिला के राजा जनक को अपने क्षेत्र की सीमा में हल चलाने की सलाह दी, जिसके बाद मिथिला के राजा जनक ने पुनौरा नामक स्थान पर जब हल जोता तो उसी समय यहाँ की धरती से माता सीता का अवतरण हुआ। दो राम जी दो सीता जी हैं, लक्ष्मण जी उर्मिला जी, भरत जी मांडवी जी, नीचे शालिग्राम हनुमान जी हैं। ये राजा जनक जी का जिस समय राज्य था उस समय ये मिथिला राज से जाना जाता था, जैसे राजा दशरथ जी के राज्य जो है अयोध्या राज से जाना जाता था, लंकापति रावण का राज जो है लंका राज से जाने जाते थे, बाली के राज किष्किंधा राज से जाने थे, ऐसे ऐसे राज बटा हुआ था उस समय। ये मिथिला राज के राजा जनक जी राजा थे, शिव जी के चार प्रमुख शिष्य थे, शिष्य तो सारे दुनिया है लेकिन चार प्रमुख थे, राजा जनक जी महाराज, परशुराम जी, बाणासुर, लंकापति रावण। एक बार शिव जी की सभा लगी जिसमें चारों शिष्य को आमंत्रित किए, जिसमें दो शिष्य उपस्थित हुए, राजा जनक जी, लंकापति रावण। शिव जी ने एक ऐसे प्रसंग छोड़ दिए जो दोनों शिष्य आपस में उलझ गए, शास्त्रार्थ होने लगा दोनों शिष्य में, जिसमें जीत में राजा जनक जी जीत हासिल किए, राजा रावण पराजित हो गए। राजा रावण सोचे कि शिव जी की पूजा में हम अपना दसों सिर काट कर चढ़ाते हैं फिर भी हम पराजित हो गए, राजा जनक जी जीत हासिल किए। उनके मन में ईर्ष्या का भावना हो गया कि हम भी राजा जनक जी को किसी तरह पराजित करेंगे। वो अपने घर या राज्य लंका वापस गए, राजा जनक जी जो है अपने मिथिला राज गए। इसके बाद जो है हर राजा अपने अपने राज्य में कर के रूप में कुछ न कुछ लेते हैं। राजा रावण जो है अन्याय ढंग से लेते थे कर के रूप में, जो लोग उनके लंका में वास करते थे असहाय लोग हैं, जंगल में भजन करने वाले हैं, उन लोगों से वो रक्त लिया करते थे, जिसके पास कुछ नहीं देने के लिए है वो रक्त लेते थे। रक्त लेते लेते जब घड़ा में भर गया तो तहसीलदार जो है रावण के पास जमा किया कि सरकार घड़ा भर गया, दूसरी घड़ा दीजिए।
रावण ने उसको देख कर घड़ा को बड़ा खुश हुआ। तहसीलदार ने जो है बताया कि सरकार के खुश होने की बात नहीं है, बड़ी दुखद समाचार है। क्या दुखद समाचार है? ये श्रापित घड़ा है, जिन जिन लोगों से हमने रक्त लिए हैं शरीर से, वो सारे लोग आंसू गिराकर बोले हैं कि राजा रावण इसी से विनाश हो जाएगा। राजा रावण खुद ही विद्वान थे, पंडितों में महान माने जाते थे, बलशाली में भी थे, चूँकि उनके मारने के लिए, उनके भवसागर पार करने के लिए श्री राम जी को अवतारित होना पड़ा। तो उन्होंने सोचे कि साधु संतों की वाणी खाली नहीं जाएगी, हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सोचे कि अच्छा मौका आ गया है, राजा जनक के राज में अगर इसको गड़वा दिया जाए वो नाश हो जाएंगे, हम बच जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने जगह का चुनाव किया कि कहाँ पर मिथिला राज में गड़वाया जाए। उसमें ये जगह जहाँ पर हम लोग जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम पर खड़े हैं, ये उस समय पुण्यारण्य वन जंगल था। पुण्य यानी पुण्य होता है, अरण्य मीन्स जंगल वन होता है। पुण्य का जंगल मिथिला राज के माना जाता था। इसकी चौहद्दी है विष्णु पुराण में, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी नदी, पश्चिम में नारायणी गंडकी नदी, 64 कोस चौड़ा, 96 कोस लंबा। इसमें पुण्यारण्य वन जंगल का जब मन में आया कि वहाँ पर जो है पुण्य का जंगल माना जाता है, तो राजा रावण ने सोचे कि वहाँ पर अगर इस घड़ा को गड़वा देते हैं तो वहाँ का पुण्य का छिन्न होगा, नाश होगा, नाश का समय जनक जी का जल्दी आ जाएगा, हम देख लेंगे। ये सोचकर उन्होंने पीछे जाइएगा जहाँ सीता कुंड लोग कहते हैं, जन्मभूमि का जगह वही माना गया है, वहाँ पर उस घड़ा को गड़वा दिया। गड़वा देने के बाद मिथिला राज में बारिश होना बंद हो गया, लोग रास्ता देखने लगे, अब बारिश होगी, अब बारिश होगी। देखते देखते 12 वर्ष समय बीत गया। सारे जनता मिथिला को मरकर राजा जनक जी के दरबार पहुँचे और कहे कि सरकार इसे कोई रास्ता निकाले, हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है। राजा जनक जी ने बड़े बड़े ज्योतिष विद्याओं वाले पंडितों को बुलाए और कहे कि हमारे मिथिला में बारिश क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोग अपने ज्योतिष विद्याओं के द्वारा बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है। उसमें आया कि राजा जनक जी अगर अपने हाथों से हल चलाएंगे तो स्वयं वर्षा हो सकती है, संभावना है वर्षा होने का। राजा जनक जी ने कहे कि मेरा राज इतना लंबा, इतना चौड़ा है, जो चौहद्दी में हम आपको बताए हैं, सिद्ध करके जगह बताइए कि कहाँ पर हम हल चलाएं। उसमें आया कि पुण्यारण्य वन जंगल में। उन्होंने कहे कि पुण्यारण्य वन जंगल हमने पौंडित इसी को दान दे दिए हुए हैं। आज भी हम लोग एकादशी करते हैं या कोई व्रत करते हैं परिवार में, या चंद्रग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो कुछ द्रव्य पैसा अन्न छू करके ब्राह्मण को दान के रूप में देते हैं। राजा जनक जी के समय एक बार जो है चंद्रग्रहण लगा हुआ था, उनके अवसर पर जो है ये पुण्यारण्य वन जंगल में पौंडित ऋषि नाम के जो है भजन करते थे, ये जंगल उनको दान दे दिए हुए थे। उन्होंने सोचे कि ये जंगल तो दान दिया हुआ है भूमि, वहाँ पर हम हल चलाने का अधिकारी है नहीं, वहाँ कैसे हल चलाएंगे। कुछ साधु संतों ने बताया कि चलकर उनसे पूछा जाए पंडित ऋषि से क्या सलाह देते हैं। पंडित ऋषि कुछ साधु संतों के साथ यहाँ आए और पंडित ऋषि से मिले जनक जी महाराज और कहे कि यहाँ बारिश का जो है अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रहा है, इसलिए हमें हल चलाना है, ये भूमि आपको दान दिए हुए, इस पर आपका क्या सलाह है। पंडित ऋषि ने बताया कि सरकार राजा जनक जी को कि प्रजा के भलाई के लिए आपको जो भी करना हो आप स्वतंत्र हैं, हल चला सकते हैं। राजा जनक जी वापस गए जनकपुर, विष्णु पुराण के अनुसार हल चलाने की तैयारी करके जब उन्होंने चले तो उनके साथ 88,000 ऋषि मुनि हल चलाने के लिए साथ साथ चले। एक बाजार में मंदिर है सीतामढ़ी में जिसका नाम जानकी स्थान से प्रसिद्ध है, वहाँ पर उन्होंने 88,000 लोगों को विश्राम करने का जगह बनाया, रात्रि विश्राम कैंप गिराया। घास फूस के घर को मिथिला में हम लोग मड़ई बोलते हैं, जैसे दिल्ली में लोग छोटे छोटे घर को झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, वहाँ बनाए। और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर पर उत्तर दिशा में एक हलेश्वर स्थान है जहाँ पर उन्होंने जाकर हलेष्टी यज्ञ किए। हल चलाने से पहले हलेष्टी यज्ञ करके और महादेव जी की शिवलिंग स्थापना की और वहीं से हल चलाना शुरू किए। हल चलाते हुए जब यहाँ आए कुंड के पास तो रावण के द्वारा जो मटका घड़ा गाड़ा गया था वो जो है हल से टकराने पर फूटा, उसमें से 8 लड़की के रूप में जो है पैदा ली। ये देखकर राजा जनक जी ने ये स्तुति किए हुए हैं, भई प्रगट कुमारी भूमिदारी जनहितकारी भयहरी, ये स्तुति करने पर उसमें से 7 विलुप्त हो गई, धरती में दब गई और मध्य भाग की बालिका जो है बच्ची रूप में रोने लगी। राजा जनक जी उसे गोद उठा लिए। उस समय से वर्षा शुरू हो गया, देवता लोग फूलों का वर्षा करने लगे। उनके मन में ये सोचाया कि ये भूमि दान दिया हुआ है, यहाँ जो कुछ मिला जिसको दान दिए हुए पौंडित ऋषि को ये उनका हुआ,
ये बच्ची को पंडित ऋषि के गोद में डाल दिए। डाल देने के बाद बारिश और तेज हो गया। पंडित ऋषि बोले कि इसका पालन पोषण हम कर नहीं पाएंगे, और कर भी लेंगे तो भविष्य में कलंकित हो जाएंगे। आप राजा है, आपका काम है असहाय को मदद करना, इसको आप पुत्री के रूप में स्वीकार करिए। उनको जो है गोद में राजा जनक जी को डाल दिए और यहाँ नाम रख दिए जनक पुत्री जानकी। उस समय से जो है बारिश और तेज हो गया, बारिश से बचने के लिए चले गए बाजार में, जो जानकी स्थान मंदिर है जहाँ पर कैंप गिराए हुए थे, पड़ाव डाले थे, उसमें 6 दिन तक वर्षा होते रह गया। बच्चा बच्ची का जब जन्म होता है तो 6 दिन पर छठी मनाया जाता है, और नामकरण भी उसी रोज होता है। नामकरण में वहाँ छठी मनाए, वहाँ का नाम जो है नारद जी रखे हुए हैं, सीता। सीता कहिएगा क्यों रखे हुए हैं? हल जो हम लोग चलाते हैं उसमें लोहे का फाल होता है जो मिट्टी कोड़ता है, उसे सीत बोलते हैं, और मिट्टी जो कोड़ते हैं उसे सिराउर कहते हैं, गड्ढा कहते हैं, क्षत्रिय भाषा अलग अलग है, दोनों को मिलाने से सीता बनता है, इसीलिए नाम उनका वहाँ सीता पड़ा। और घास फूस के घर जो था इसलिए जगह का नाम पड़ गया सीतामढ़ी, जिसको हम लोग सीतामढ़ी सीतामढ़ी बोलते हैं। और ये पुण्यारायण से पुनौरा के नाम से बदल गया, पुनौरा पुनौरा हम लोग कहते हैं। इसके बाद जो है राजा जनक जी ले गए अपने जनकपुर राजमहल, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ, शादी स्वयंवर धनुष टूटने का कार्यक्रम, ये सब जो है जनकपुर हुआ। यही यहाँ का जो है कहानी है। मान्यता है कि राजा जनक ने देवी सीता की जन्मस्थली पर उनके विवाह के पश्चात भगवान राम और माता सीता यानी जानकी की प्रतिमा लगवाई, लेकिन कालांतर में माता सीता के प्राकट्य स्थली पर नियमित पूजन की परंपरा तब फिर से आरंभ हुई जब लगभग 500 वर्ष पूर्व अयोध्या के एक संत बीरबल दास जी ने ईश्वरीय प्रेरणा पाकर उन प्रतिमाओं को पुनः खोज निकाले। त्रेता युग से जुड़ा हुआ यह स्थान पुनौरा धाम है। सीतामढ़ी जिला का यह वह स्थान है जहां त्रेता युग में अकाल के निवारण के लिए पंडितों के परामर्श पर विदेह जनक हल चलाना शुरू किए थे। यहां से 7 किलोमीटर उत्तर है हलेश्वर स्थान, वहां हलेष्टी जग करने के उपरांत महादेव की स्थापना किए और हल चलाना प्रारंभ किए। ठीक इसी दिशा में जब मंदिर के पीछे एक आपको कुंड दिखेगा, उस कुंड में पहुंचते हैं राजा जनक, तो उनके हल का फाल एक घड़ा से टकराता है और उससे एक बालिका निकलती है, और बालिका के बाहर आते ही ये मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो जाती है। राजा जनक का कैंप यहां से 2 किलोमीटर पूर्व जानकी स्थान था। उस जमाने में मड़ई को लोग एयर कंडीशन मानते थे, तो वो यहां से वर्षा से बचने के लिए राजा जनक उस जानकी स्थान के मड़ई में पहुंचे, और उन्होंने पता किया कि यह जमीन जो पुंडरीक ऋषि को दान में मिला हुआ है, इस जमीन से ये एक कन्या प्रकट हुई है। उन्होंने बुलाया पुंडरीक ऋषि को और कहा कि महाराज, ये मिथिला की ओर से आपको जमीन दी गई है, इस जमीन में हल चलाने के दौरान एक बालिका निकली है, आपकी यह जमीन है, इस बालिका को आप रखें। पंडित ऋषि विद्वान थे और उच्च कोटि के साधक भी थे। उन्होंने कहा कि महाराज, उल्टी बात न कहिए, हमारे परवरिश के लिए मिथिला की ओर से ये जमीन मिली है, लेकिन नियमानुसार जमीन के अंदर की वस्तु राजा की होती है, और ये जो कन्या है ये विलक्षण गुण धर्म से संपन्न है, इसे आप पुत्री के रूप में ग्रहण करके पुत्री की तरह लालन पालन करिए। आने वाले दिन में यह न केवल इस धरती के मिथिला के बल्कि संपूर्ण सृष्टि में खुशहाली का कारण बनेगी, आतताई और आतंक का नाश करेगी, और मर्यादा के पालन करते हुए संपूर्ण स्त्री धर्म का पालन करके आपके कुल के गौरव को बढ़ाएगी। और हुआ,
कालांतर में विश्वामित्र के साथ राम पहुंचे, धनुष भंग हुआ और सीता से उनकी शादी हुई। आगे का फिर तो अयोध्या में हुआ। वनगमन के दौरान भी जो गुण धर्म का परिचय सीता ने दिया, ये वही स्थान है जहाँ माता सीता प्रकट हुई थी। और ऐसी धरती पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है जहाँ से धरती से सीता प्रकट जगत जननी प्रकट हुई। सीतामढ़ी का यह स्थान आज जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन आरंभ होने तक मिथिला के शासकों के कर्नाट वंश ने यहां शासन किया। बाद में स्थानीय क्षत्रपों ने, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यह पहले बंगाल और बाद में बिहार प्रांत का अंग बन गया। अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 11 दिसंबर 1972 को सीतामढ़ी को एक स्वतंत्र जिला का दर्जा मिला, जिसका जिला मुख्यालय सीतामढ़ी शहर बनाया गया। वृहद विष्णु पुराण के वर्णनानुसार सम्राट जनक की हलकर्षण यज्ञ भूमि तथा उर्बिजा सीता के अवतीर्ण होने का स्थान है, जो उनके राजनगर से पश्चिम 3 योजन अर्थात 24 मील की दूरी पर स्थित थी। लक्ष्मणा, वर्तमान में लखनदेई नदी के तट पर उस यज्ञ का अनुष्ठान एवं संपादन बताया जाता है। हलकर्षण यज्ञ के परिणाम स्वरूप भूमिसुता सीता धाराधाम पर अवतीर्ण हुई, साथ ही आकाश मेघाच्छन्न होकर मूसलधार वर्षा आरंभ हो गई, जिससे प्रजा का दुष्काल तो मिटा पर नवजात शिशु सीता की उससे रक्षा की समस्या मिथिला के राजा जनक के सामने उपस्थित हो गई। उसे वहां वर्षा से बचाने के विचार से एक मढ़ी, जिसे मढ़ई, कुटी या झोपड़ी भी कहते हैं, यहां प्रस्तुत करवाने की आवश्यकता आ पड़ी। राजज्ञा से शीघ्रता से उस स्थान पर एक मढ़ई तैयार की गई और उसके अंदर सीता सायत्न रखी गई। कहा जाता है कि जहां पर सीता की वर्षा से रक्षा हेतु मढ़ई बनाई गई, उस स्थान का नाम पहले सीतामढ़ई, कालांतर में सीतामही और फिर सीतामढ़ी पड़ा। यहीं पास में पुनौरा ग्राम है, जहां रामायण काल में पुंडरिक आराशी निवास करते थे। कुछ लोग इसे भी सीता के अवतरण भूमि मानते हैं। जो भारत में बिहार राज्य का सीतामढ़ी जिला है, यहाँ पर पुनौरा धाम से ही माता जगत जननी जानकी जगदम्बा प्रकट हुई थी। और ये प्रकट कैसे हुई थी कि इसकी तो लंबी कहानी है। जब रावण त्रिलोक विजयी हो गया, उस समय ऋषि मुनियों का खून टैक्स के रूप में लेना शुरू किया। ऋषि मुनियों ने साप दिया कि जाओ, यही खून तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तो मैया सीता प्रकट भेल रहती है, ओ में सुनने है भाई जे एक अकाल पड़ल चलिए मिथिला क्षेत्र में, तो ऋषि सब कहलखिन जे राजा और रानी मिल के यदि हर चलेता तखने तो अकाल खत्म हेतु, बारिश हेत। तो जनक जी दोनों प्राणी मिलकर एत से हलेश्वर महादेव जो छे से हॉल चलेने शुरू कल, और एत आबिक एक घड़ा टकरेल जैमे मैया सीता प्रकट वेली, वह धाम छे पुनौरा धाम। ये सभी बातें वृहद विष्णु पुराण के वर्णनानुसार और स्थानीय अनुश्रुतियों के आधार पर की जाती हैं। अतः लंबे अरसे के संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की प्राचीन नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि के पास राम मंदिर के निर्माण के साथ ही बिहार राज्य के इस जगह को भी, जो भगवान राम की अर्धांगिनी देवी सीता की जन्मस्थली मानी जाती है, यहाँ के मंदिरों को भी भव्यता प्रदान करने की मांग की जाने लगी है। ऐसे में अगर इस मांग पर विचार की जाती है तो आने वाले समय में सीतामढ़ी की भव्यता और दिव्यता निश्चित रूप से बढ़ेगी या मौजूदा समय से और ज्यादा बढ़ने वाली है। बहुत ही खुशी होगी, बहुत ही हर्ष होगा कि जैसा राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जैसा विस्तार अयोध्या का हुआ है, जो प्रसिद्धता अयोध्या को मिली है, वही प्रसिद्धता सीता मैया की जन्मभूमि को भी मिले। उनकी पत्नी है इसलिए उनका भी हक मिलेगा कि जैसे राम जी का मंदिर बना, वैसे ही उनकी पत्नी का भी मंदिर बने, यहाँ का भी विकास हो, जैसे अयोध्या का विकास हुआ, ऐसे सीता मैया का के चलते सीतामढ़ी का विकास हो, विश्व पटल पर आए, हम लोग को अच्छा लगेगा। यहाँ पर के हम लोग देखते रहेंगे जहाँ सीता मैया भी उसके पूरा हकदार हैं, जैसे राम जी का हुआ वैसे उनका भी होना चाहिए पुनौरा में। राम को रामत्व की प्राप्ति होती है सीता से मिलन के बाद। जब तक अयोध्या में रहे राजकुमार राम रहे, लेकिन
जब सीता का सानिध्य प्राप्त हुआ तो उन्हें रामत्व की प्राप्ति हुई। दुख का विषय यह है कि लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया। सीता जन्म से लेकर अपने अवतरण से लेकर और अपने साकेत यात्रा तक सिर्फ दुख ही सहती रही, उसके जीवन में सिर्फ दुख ही रहा। जनकपुर से विदा लेने के बाद 14 वर्ष का वनवास, वनवास के बाद लौट कर आती है सीता, फिर वनवास, वाल्मीकि के आश्रम में अपना समय काटती है और धरती की बेटी पुनः धरती में समाहित हो जाती है। दुख है कि सीता का अवतरण जिस धरती पर हुआ वह स्थान आज भी उपेक्षित है। अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने, यह उनके भाइयों की लालसा है, अभिलाषा है कि पनौरा धाम में जहां सीता मैया का जन्म हुआ, अवतरण हुआ, वहां पर भी भव्य मंदिर बने। अयोध्या की तर्ज पर यह मंदिर बने। आश्वासन तो कई लोगों ने दिया लेकिन अभी तक वह आकार नहीं ले रहा है। हम आपके माध्यम से यह मांग रखते हैं कि सीतामढ़ी में भी अयोध्या की तरह भव्य मंदिर बने, राम की सार्थकता, रामायण की सार्थकता इसी में है कि सीता को भी समानता का अधिकार मिले। आज भी सीता उपेक्षित है और यह मेरी पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है। हम चाहेंगे कि यह दर्द जल्द समाप्त हो और सीतामढ़ी में माँ जानकी का भव्य और दिव्य मंदिर बने। मैं रुपेश कुमार, सीता माता मंदिर निर्माण समिति का संस्थापक। माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने इसको लेकर के मैं 4 साल से अभियान चला रहा हूँ और बिहार के संपूर्ण जिले में जा रहा हूँ और हमारे सभाओं में इस बात को लेकर के कि माता सीता का भव्य मंदिर बने, लोगों में ज़बरदस्त एक उत्साह देखा जा रहा है। चूँकि राम, भगवान श्री राम का मंदिर बना, यह स्वागत योग्य है, लेकिन बगैर माता सीता के राम भी पूर्ण नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि माता सीता का भव्य और दिव्य मंदिर बने और इस मंदिर के पीछे, भव्य और दिव्य मंदिर बनने के पीछे मेरे जो उद्देश्य हैं उससे उसका मुख्य कारण यह है कि बिहार को एक पर्यटन स्थल मिल जाएगा जिससे बिहार सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दूसरा, स्थानीय रोजगार का सृजन हो जाएगा। आप देखते हैं कि देवघर में हम लोग जाते हैं बाबा का पूजा करने, तो वहाँ एक महीना सावन के महीने में लोग बैठ जाते हैं तो रोजगार का सृजन कर लेते हैं, लगभग सालों भर की खर्ची का व्यवस्था कर लेते हैं। अगर ये चीज़ हो जाता है, बड़े स्तर पर इस मंदिर का निर्माण होता है, भव्यता और दिव्यता इसमें आती है, तो बिहार निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बिहार प्रतिष्ठित होगा और हर बिहारी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा बिहार प्रतिष्ठित हो, यह मेरा लक्ष्य होना चाहिए। हम इसी उद्देश्य के साथ काम पूरे बिहार में घूम रहे हैं और लगभग 15 जिला का मेरा दौरा हो चुका है। बाकी शाहबाद के क्षेत्रों में और सिवान और मोतिहारी सब में मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं सभी बिहारियों से यही अपील करता हूँ, चाहे वो बिहार में हैं हो या बिहार के किसी अन्य, बिहार छोड़कर किसी अन्य राज्य में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना बहुमूल्य समय आवंटित करें, इसमें तन मन और धन से सहयोग करें। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ जानकी की जन्मभूमि जो है वो है पुनौरा धाम, लेकिन अभी बहुत लोग इस बात से अवगत नहीं हैं और इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जानकी ज्योति यात्रा को पूरी तरह से निरंतरता में रखते हुए जो यात्री यहाँ तक पहुँचे हैं कि अयोध्या से यहाँ तक के लिए जो राम जी की दर्शन के बाद, माँ सीता का दर्शन होने के बाद सिया राम जी का दर्शन पूर्ण हो, इस उद्देश्य से जो यात्रा पूरी हुई है
उसका हम बहुत ही अभिनंदन करते हैं। और मनोकामना यह है कि इस यादा उद्देश्य को पूरा करने में माँ जानकी की सहायता करें। धन्य धन्य सीतामढ़ी, धन्य धन्य पुनौरा धाम और धन्य धन्य मिथिला की धरती। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। Thank you.